दोस्तों, धरती पर अभी तक कई सारे एस्टेरॉयड टकराए हैं और उनके टकराने के कारण कई किलोमीटर बड़े गड्ढे भी बने हुए हैं। पर क्या आपने सोचा है कि वो सारे उल्कापिंड आखिर गायब कहाँ हो जाते हैं? दोस्तों, एस्टेरॉयड तीन तरह के होते हैं, जिनमें पहला है सी टाइप एस्टेरॉयड। इस तरह के एस्टेरॉयड ज्यादातर कार्बन के बने होते हैं, इसलिए ये काफी ज्यादा डार्क होते हैं। और हमारे सौरमंडल में 75% एस्टेरॉयड सी टाइप के पाए जाते हैं। हमारे धरती पर सबसे ज्यादा इसी टाइप का एस्टेरॉयड टकराए हैं, जो धरती के एटमॉस्फेयर में आते ही जलना शुरू हो जाते हैं और काफी गर्म भी हो जाते हैं। और इतने स्पीड से जब ये धरती से टकराते हैं तो पूरी तरह से छोटे छोटे टुकड़े में बिखर जाते हैं, इसलिए इस तरह के उल्कापिंड लाखों साल बाद देखने को नहीं मिलते हैं। दूसरा है एम टाइप एस्टेरॉयड। दोस्तों, इस तरह के उल्कापिंड ज्यादातर आयन और निकल जैसे मेटल से बने होते हैं, इसलिए ये धरती से टकराने के लाखों साल बाद भी बचे रहते हैं। जैसे कि होबा उल्कापिंड जो 80,000 साल पहले गिरा था, उसमें 84% आयरन और 16% निकेल है। और तीसरा है एस टाइप एस्टेरॉयड जो स्टोनी होते हैं और ये सिलिकेट के बने होते हैं। हमारे सौरमंडल में 17% एस टाइप के एस्टेरॉयड पाए जाते हैं।